तो वहीं देश में कोरोना महामारी का खतरा लगातार बना हुआ है। अस्पतालों में भी लोगों की किल्लत जो है वो चल रही है। गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र के डुमरा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से बनके तैयार है, फिर भी अभी तक चालू नहीं हो पाया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो अभी तक विभाग द्वारा भवन हैंडओवर नहीं किया गया, इस वजह से उन्होंने नए भवन में उप स्वास्थ्य केंद्र को चालू कराने में असमर्थता जाहिर की है। वैसे हमारा उद्देश्य सरकार और सरकारी तंत्र पर कटाक्ष करना नहीं है, बल्कि सिस्टम को कुंभकर्णी निंदा से जगाना है, क्योंकि इससे बदनामी सरकार और प्रशासन की जरूर होती है, मगर भुगतती जनता है। तो वहीं जामतारा में 2 साल पहले बने पुल को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पुल पर प्रदर्शन किया। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि महज 2 साल पहले इस पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन कालाबाजारी के चलते इसका निर्माण सही से नहीं हो पाया और आज से इतना जर्जर हो गया है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां हो सकता है। मात्र 2 वर्ष हो रहा है इसका, कैसे जनता बता रही है, वोट तो अभी दिखाई दे नहीं रहा है। इसका लागत लगभग 10 करोड़ तक बताया जा रहा है, और जो काम जो हुआ है वह बहुत घटिया तरह का काम हुआ है। जो नीचे का पिलर दिखाई अभी दे रहा है, बरसात से बालू जब हट गया तो उसमें जो रॉड दिखाई दे रहा है उसमें जंक लगा हुआ है, और वो 1-2 पिलर में नहीं, कई पिलरों में है, 3-4 पिलर में है, और धीरे धीरे यह जंक बढ़ता ही जाएगा। हमको लगता है कि 2 साल और लगते लगते वो पिलर ढह जाने की संभावना है। तो इधर झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के 4थे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो वहीं इन सब मामलों पर धरना दे रहे विधायकों से हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने खास बातचीत की, आपको भी सुनाते हैं। जेपीएससी मामले में विवाद के बाद मुख्यमंत्री का बयान आया, लेकिन विपक्षी दल असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और विपक्षी जितने भी हैं भाजपा के नेता धरना पे बैठ गए हैं। आज फिर विधानसभा के बाद जो है बाहर जो है धरने पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये माना जा रहा है कि सदन जो है पूरी तरह से बाधित हो रहा है। जो जेपीएससी के मुद्दे पर जो है सदन नहीं चल पा रहा है, कई विधायक जो है लगातार जेपीएससी के मामले पर विरोध कर रहे हैं, चूंकि माकूल जवाब सरकार की ओर से नहीं मिल रहा है। एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहिए कि जितने भी बीजेपी के विधायक हैं सभी जो है धरना पे बैठे हुए हैं और लगातार सरकार के विरोध जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जेपीएससी के अलावे अगर बात करें तो रोजगार की, राज्य में घटते गिरते लॉ एंड ऑर्डर के मामले, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो मामला बनते जा रहा है। देखिए, मैं अभी आपने जो एक क्वेश्चन पूछा आपने कि रोजगार कैसे सरकार छीन रही है, तो मैं बताना चाहता हूँ पिछली रघुवर जी की सरकार में 3rd और 4th ग्रेड के कर्मचारियों के लिए हम लोगों ने नियोजन नीति बनाया, और नियोजन नीति बनाने के बाद झारखंडी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए हमने 24 जिला को हम लोगों ने आरक्षित करने का काम किया था, जिसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपको कि चाहे टीचर का नौकरी का बात हो, चाहे वो दरोगा की बहाली की बात हो, चाहे आपका दरोगा की बहाली में सरकार ने तो कह दिया कि जो ताड़ पर चढ़ जाएगा उसको नौकरी, ये तो वर्तमान सरकार ने कहा ना, पूरी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे अनेक जगह पे चाहे मनसी की बहाली हो, अनेक बहालियों में लगभग 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार देने का काम उनकी सरकार ने किया था। इस सरकार ने नियोजन नीति रद्द कर दिया, नई नियोजन नीति बनाई नहीं सरकार ने, तो रोजगार सरकार छीन रही है ना। सरकार ने कहा कि 1 साल में 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, नहीं दिया। कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000-7,000, उसे सरकार पिछड़ गई। सरकार ने कहा कि रोजगार की नियोजन का साल होगा, कोई नियोजन नहीं हुआ। जेपीसी की जो एग्जाम हुआ उसमें व्यापक गड़बड़ी हुई, और इतनी गड़बड़ी हुई कि आज 4 लाख छात्र रोड पर उतरे हुए हैं, और वो आदिवासी दलित पिछड़ा अगड़ा अब सके सभी समाज के छात्र हैं। जब ये छात्र रोड पर उतरे हुए हैं तो ये छात्र क्या मुनिवादी है? मुख्यमंत्री मुनिवादी करके बच नहीं सकते हैं, इसीलिए ये आंदोलन को हम लोग और आगे लेके जाएंगे। सहयोगी रंजीत के साथ चंदन वर्मा, एपीएन न्यूज, रांची। बात अब बोकारो की, जहां पर आरक्षण की मांग को लेकर आजसू ने धरना प्रदर्शन दिया। यहां पर बताया जा रहा है कि पिछड़े लोगों को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर बोकारो उपायुक्त कार्यालय के सामने सामाजिक न्याय सभा एवं उपवास किया गया।
जिसके बाद आजसू नेता सह पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने कहा कि राज्य सरकार पिछड़े लोगों के साथ घोर अन्याय कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार आरक्षण नहीं देगी तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारी पार्टी पिछड़ों के साथ है। सरकार ने वादा भी किया था लेकिन जनता को दिए गए वादे पर खरा नहीं उतरी। उन्होंने जेपीएससी मामले पर कहा कि वो गड़बड़ी हुई है और उस पर सरकार को अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना चाहिए। आजसू पार्टी पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण के लिए एक निर्णय लिया है कि 21 तारीख मैंने आज के दिन में पूरे प्रदेश में 24 जिला में पिछड़ों का 27% आरक्षण की मांगों को लेकर एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। आजसू पार्टी ये चाहती है कि झारखंड प्रदेश के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें 27% रिजर्वेशन सरकार लागू करेगी।